तो गाइस अब आखिरी यहाँ पर 2 मंथ्स रह गया है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पर जितने भी ICSE एंड ISE 2025 बैच के स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम जो भी अब प्रिपेयर कर रहे हो, अब ये जो तुम्हारा यहाँ पर टाइम फ्रेम बच गया है, जो तुम्हारे पास टाइम बच गया है अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड जस्ट 2 मंथ्स बाकी रह गया, राइट? अब ये जो 2 मंथ्स है, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 60 डेज है, इसके अंदर तुम हर एक दिन जो भी पढ़ रहे हो, तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है कि वो चीज़ तुम यहाँ पर आखिरी बार पढ़ रहे हो। मान लो कि तुम्हारा यहाँ पर कल एग्जाम्स है, तो तुम एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जिस तरीके का, जिस लेवल का प्रिपरेशन करते हो, तुम लोग अपना बेस्ट देते हो कि तुम यहाँ पर एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको, तो उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पर अपना 100% एफर्ट डालना है, तुम्हें यहाँ पर अपना बेस्ट देना है, और तुम्हें यहाँ पर जितना हो सके जो भी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें इस तरीके से पढ़ना है कि वो चीज़ को तुम आखिरी बार पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब तुम जो भी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग यही लेकर डिस्कस करेंगे कि तुम लोगों को प्रॉपर टाइम टेबल कैसे बनाना है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर टाइमिंग्स नहीं बताने वाली, वो तुम्हें खुद अपने अकॉर्डिंग, तुम्हारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा दिन तुम लोग कैसे स्पेंड करते हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें खुद का एक शेड्यूल प्रिपेयर करना है। बट यहाँ पर जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगी, वो सारा चीज़ को तुम लोगों को अपने टाइम टेबल के अंदर, जबकि तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हें ये सारा चीज़ को अपने दिमाग में रखना है, और उसके बाद ही तुम्हें यहाँ पर टाइम टेबल फ्रेम करना है। सो व्हाट आर दीज थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग योर टाइम टेबल, हाउ कैन यू मेक एन इफेक्टिव टाइम टेबल, इस चीज़ को लेकर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और तुम यहाँ पर जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही सीरियसली यहाँ पर तुम्हें प्रिपेयर करना है। यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट्स एंड नाउ इट्स टाइम टू वेक अप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि तुम यहाँ पर सपोज आज एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, या फिर सपोज एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वही चैप्टर को तुम आज कंप्लीट नहीं करते हो और उसको यहाँ पर पेंडिंग पे रखते हो, और कल भी तुम सेम चैप्टर को पढ़ रहे हो, फिर तुम्हारे यहाँ पर कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हुआ, आधा में से थोड़ा सा पोर्शन खत्म हो गया, 75% जो पार्ट है वो खत्म हो गया, फिर 25% वही चैप्टर का फिर से बचाए तुम तीसरे दिन भी कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम लोग सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। और अगर तुम यही चीज़ को फॉलो करते हो, तो तुम आखिरी दिन तक, अभी से लेकर आखिरी दिन तक, जबकि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा, तुम लोग वही चीज़ को पढ़ते रह जाओगे, उसी चैप्टर पर अटके रह जाओगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर फुल कॉन्सेंट्रेशन लेवल यहाँ पर तुम्हारा काफ़ी अच्छा होना चाहिए, फुल फोकस के साथ अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर तुम्हारा टाइम टेबल जो भी तुम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 5 to 6 आवर्स तुम्हें पर डे यहाँ पर प्रिपेयर करना है। ये भी मैं तुम्हें मिनिमम बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, देर आर अ लॉट मैनी चैप्टर्स, अ लॉट मैनी सब्जेक्ट्स, एंड इफ़ यू स्टडी ओनली फॉर 1 आवर or 2 आवर्स इन अ पर्टिकुलर डे, सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस एंड यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तुम्हें अगर यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करना है, अगर तुम इफेक्टिवली सीरियसली अपना जितना भी सिलेबस है कंप्लीट करना चाहते हो, सो 5 to 6 आवर्स ऑफ प्रिपरेशन इज मैंडेटरी। और जब भी तुम यहाँ पर टाइम टेबल सेट कर रहे हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स तुम्हें यहाँ पर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मैथ्स अगर तुम लोग सोचोगे कि एकदम एंड में तुम्हारा हो जाएगा, तो इतना सारा चैप्टर्स है मैथ्स में, राइट? देर आर सो मेनी चैप्टर्स एंड इफ़ यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट दैट इन 1 single day, सो डेफिनेटली तुम लोगों का यहाँ पर सिलेबस मैथ्स का एकदम खत्म होने वाला नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैथ्स तुम्हें रेगुलर बेसिस पे 1 आवर के लिए एटलीस्ट रोज प्रैक्टिस करना है। जो भी तुम्हारा मैथ्स का चैप्टर्स है, जो भी इजी चैप्टर्स है, अगर तुमने मैथ्स का स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम लोग जाकर मैथ्स का स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो गाइस। और तुम्हें यहाँ पर डेली मैथ्स करना है, और इसके साथ साथ यू नीड टू स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच डे। ये मैंने तुम्हें यहाँ पर लास्ट वीडियो, कल के वीडियो में भी बताया था कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना है, बिकॉज देर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू विल बी स्टडिंग ओनली 1 particular सब्जेक्ट इन अ डे। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर तुम्हें कितने आवर्स के लिए प्रिपेयर करना है, ओवरऑल तुम्हें यहाँ पर 5 to 6 आवर्स का प्रिपरेशन करना है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम लोग यहाँ पर 5 to 6 आवर्स कंटिन्यूसली प्रिपेयर करने बैठोगे, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल, तुम्हारा फोकस उतने अच्छे से तुम लोग यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 45 minutes to 1 hour, दैट मीन्स 60 minutes, 45 minutes to 60 minutes का तुम्हें एक बार प्रिपरेशन करना है एट अ टाइम। देन यू नीड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन, से फॉर 10 to 15 minutes, एंड देन अगेन यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब यहाँ पर तुम्हें मैं ब्रेक लेने के लिए क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देखो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है, इसको हम लोग पोमोडारो टेक्निक बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर 45 minutes के लिए पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर 10 to 15 minutes का, एग्जैक्टली 15 minutes का हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी तुम
तुम लोग कर सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लेना है, फिर तुम्हें यहाँ पर दोबारा से प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ अगर तुम लोग फॉलो करते हो तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जबकि तुम लोग दोबारा से यहाँ पर गैप के बाद फिर से करोगे, सो डेफिनेटली यू विल फील रिफ्रेश्ड और तुम यहाँ पर बहुत अच्छे से फिर से यहाँ पर तुम्हारा स्टार्टिंग से फोकस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि एक ही चीज़ को तुम लोग कंटिन्यूसली बहुत देर तक बैठे हो तो तुम्हारा धीरे धीरे कर कर जो कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है, जो फोकस है, वो हट जाता है। लेकिन उसी चीज़ को तुम लोग थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेते हो, थोड़ा सा गैप करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो कि फोकस है वो यहाँ पर बूस्ट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस। तुम्हें यहाँ पर फ्रीक्वेंट शॉर्ट ब्रेक्स लेना है और तुम्हें यहाँ पर जो है 4 to 5 hours, 6 hours तक का प्रिपरेशन पर डे करना है। बिकॉज अभी से लेकर यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए यू हैव ओनली 2 months लेफ्ट, तो काफ़ी यहाँ पर लिमिटेड डेज है और तुम्हें यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस फोकस करना है कंप्लीट करने पे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर PYQs भी सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि तुम कंटिन्यूसली बुक से सब कुछ पढ़ रहे हो, बिकॉज एट द एंड तुमने सब कुछ पढ़ लिया बट अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे तो तुम्हें यहाँ पर अगर पता ही नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड्स में आने वाला है, तुम अगर सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन नहीं कर रहे तो डेफिनेटली सारा कुछ तुम्हारा यहाँ पर टाइम वेस्ट है, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चंस पहले यहाँ पर बोर्ड्स में आ चुका है लास्ट 10 years जो है, तुम वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हो, और जो इस बार के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है तुम्हें वो सारा यहाँ पर जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 में, बोथ फॉर क्लास 10 एज वेल एज क्लास 12 ICSE एंड ISC। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिसाइड्स दिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग यहाँ पर कोई भी मेमोराइजिंग बेस्ड सब्जेक्ट कर रहे हो, सो इट इज़ रिकमेंडेड कि तुम लोग वॉक कर प्रिपेयर कर सकते हो। तुम जब भी यहाँ पर कुछ लर्न कर रहे हो, इफ़ यू आर मेमोराइजिंग समथिंग, सो अगर तुम लोग एक जगह बैठ के करते हो, अगर तुम यहाँ पर एक जगह बैठ कर यहाँ पर ट्राई कर रहे हो कि वो सारा चीज़ तुम लोग याद कर लो, तो वो जल्दी नहीं हो पाता। बट पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग दिस ऑन यूट्यूब कि अगर तुम लोग यहाँ पर वॉक कर वही चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस तुम्हारा यहाँ पर एकदम 100% होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, और तुम्हें यहाँ पर अगर वॉक कर तुम लोग कर रहे हो और फोकस के साथ साथ कर रहे हो तो यहाँ पर तुम लोग उसको जल्दी यहाँ पर मेमोराइज कर सकते हो। सो यू कैन फॉलो दीज थिंग्स। एंड बिसाइड्स दिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड डेज है, अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। दीज 2 months ऑफ हार्ड वर्क कैन डेफिनेटली बी फ्रूटफुल और तुम लोग यहाँ पर बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम ये लास्ट 2 months को सीरियसली लेते हो। इसी के बीच में तुम्हारे यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम्स भी है, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रैटेजी वीडियो डिस्कस किया है। बिसाइड्स दिस यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट्स कर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।